एक फीमेल शारीरिक सुख से ज़्यादा मानसिक तरीके से डिपेंड करती है एक पुरुष पे, यानी कि वो जो फील करती है ना, लड़कों के लिए ये शारीरिक सुख ज़्यादा मैटर करता है, बट औरतों के लिए ना ये मानसिक सुख ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसके बॉडी में हार्मोन्स ही इस तरीके से काम करते हैं। और लड़कों के केस में ना ये बड़ा अजीब एक चीज़ है कि वो जानते हैं कि उनमें उनके बॉडी में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, उनका जल्दी डिस्चार्ज जाता है या कोई और चीज़ें वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो पर वो अपना इलाज नहीं करते। खैर, अगर आप जल्दी डिस्चार्ज कर भी देते हो ना, तो आप अपने फीमेल पार्टनर को कैसे प्रॉपरली खुश करोगे, उस पर मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। यानी कि मैं आपको ये थोड़ा बहुत बताऊंगी कि आपको प्रीमैच्योर डिस्चार्ज के लिए क्या करना चाहिए, बट मैं ये वीडियो का जो हाईलाइट पॉइंट है वो है कि अगर आपको प्रीमैच्योर डिस्चार्ज है तब भी आप अपने फीमेल पार्टनर को कैसे खुश कर सकते हो, इस वीडियो का मुद्दा यही है। क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब तक तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो हमेशा खुश रहे। क्योंकि फीमेल पार्टनर की भी एक चीज़ होती है कि वो पहली बात तो बताती नहीं है कुछ भी, पहली बात खुद तो सही समझती, तीसरी बात होती है कि जब वो चीज़ को समझती नहीं है, बताती नहीं है, तो अंदर से चिढ़ जाती है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेती है, छोटी छोटी बात पे आपसे मुंह मोड़ लेती है, छोटी छोटी बात पे आपको हाथ तक लगाने नहीं देती। इसके पीछे वजह ये है भाई, क्योंकि वो आपसे खुश नहीं हो रही है, आपसे मेंटली कनेक्ट है, आपसे प्यार करती है, सब कुछ ठीक है, आपके बच्चे को संभाल रही है, आपके घर को संभाल रही है, बट बिस्तर में वो आपके साथ सही नहीं है। क्योंकि पहली बात कहीं ना कहीं आप खुद सही नहीं हो, दूसरी बात कि आपका परफॉर्मेंस भी सही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो उसको इलाज तक करोगे, साथ साथ क्या करो अपने परफॉर्मेंस के दौरान, जिससे आपकी फीमेल पार्टनर हर बार खुश हो जाए। क्योंकि भाई आप भी अपने फीमेल पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत तो बनती है कि आप उसको खुश रखो एट एनी कॉस्ट। फीमेल पार्टनर का जो प्लेजर प्रोसेस है वो है ना मेल से थोड़ा सा अलग है। मेल जैसे डिस्चार्ज से अपने आप को खुश कर लेते हैं, बट फीमेल पार्टनर तो तभी डिस्चार्ज होती है जैसे मेल पार्टनर भी जब उसको वो उस लेवल पे उसको खुशी मिलती है, सुख मिलता है। तो फीमेल पार्टनर इंसर्शन से ज़्यादा दूसरे तरीके से उसको खुशी मिल सकती है, ये तो मैंने पहले बहुत बार बहुत सारे वीडियो में बताया है। तो वही तरीका मैं आप आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए कि पहली बात कि आपको फोपले पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना जो जब तक इंसर्ट नहीं करते तब तक उनका डिस्चार्ज का प्रॉब्लम नहीं होता। इंसर्ट करते हैं, इन एंड आउट थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, विद इन अ मिनट उनका डिस्चार्ज हो जाता है, बट जब तक वो फोरप्ले में है तब तक उनका डिस्चार्ज नहीं होता। ये एक किस्म का अर्ली डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो छूते ही डिस्चार्ज कर देते हैं, खैर उनको तो अलग लेवल की है, और मुझे ऐसा फील होता है कि उनको तो स्पेशली डॉक्टर से कंसल्ट करनी ही चाहिए, जिनको छूने से ही या सोचने से ही डिस्चार्ज हो जाता है। बट कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनको फोरप्ले के दौरान कुछ नहीं होता, जब तक वो इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, जब वो इंसर्ट करते हैं तो कभी कभार हाइपर सेंसिटिविटी हो या कुछ और रीज़न हो गया कि उस दौरान वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो वो जब फोरप्ले पे कुछ उनको दिक्कत नहीं हो रहा है तो वो फोरप्ले पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फीमेल पार्टनर का आधा जो बॉडी नीड है वो वही पे पूरी हो जाती है, 50-60% वही पूरी हो जाती है। उसके बाद जब आप इंसर्ट करते हो तो वैसे ही फीमेल पार्टनर की बॉडी जो है वो प्रॉपर सेंसिटिव हो गई है, और जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको वहाँ पे खुशी मिल जाता है। जब आप डिस्चार्ज कर दो जल्दी, आपको समझ में आ रहा है कि आपके फीमेल पार्टनर अभी तक उस लेवल पे पहुँची नहीं है, बट आप डिस्चार्ज हो गए। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना जो मायूस तो हो जाते हैं बट अपना काम भी स्टॉप कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपको लगे कि आप डिस्चार्ज हो चुके हो बट आपकी फीमेल पार्टनर अभी तक नहीं हुई, उसको थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे आपको वो जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना है, बॉडी प्रोसेसिंग को। एज लाइक के अगर आप इंसर्ट कर रहे थे तो आपका बंद हो चुका है, आपका डिस्चार्ज हो चुका है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पहली बात आप फिंगरिंग कर सकते हो, दूसरी बात आप ओरल परफॉर्मेंस पे जा सकते हो, तीसरी बात कि आप उसको दूसरे तरीके से यानी कि क्लिट स्टिमुलेशन दे सकते हो या फिर ब्रेस्ट स्टिमुलेशन दे सकते हो। इससे भी फीमेल धीरे धीरे काम डाउन हो जाते हैं,
बट उस टाइम पे जब फीमेल एक लेवल पे थी, आप बंद कर दोगे ना तो कहीं ना वो चिढ़ जाएगी, उसको अंदर से मायूसी हो जाएगी, चिढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी फिर उस जगह पे थी और सडन आपने बंद कर दिया। तो आप ये गलती मत करो। अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो इस केस में आप क्या करो, कंटिन्यू करो, वापस से फोरप्ले को कंटिन्यू करो। इस दौरान ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा सा डीप आपको थोड़ा सा फोरप्ले पे जाना पड़ेगा। एज लाइक कि आप ओरल परफॉर्मेंस चाहो तो कर सकते हो, आप अपने हाथ से क्लिट स्टिमुलेशन कर सकते हो, उसको फिंगरिंग कर सकते हो। बहुत बार फीमेल पार्टनर शर्मा जाती है तो आपको शायद वो अलाउ ना करे, बट जब वो उस चीज़ को फील करना शुरू कर देगी ना तो वो फिर उससे हैबिचुएटेड हो जाएगी। अब आपको ये फाइनल चीज़ नहीं हुई, अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। आप अपने हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सकते हो कोई भी तेल से, एज लाइक जैतून का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, लौंग का तेल हो गया, इससे आप अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, बहुत अच्छा होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है धीरे धीरे। या फिर आप बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करने में, एंग्जाइटी को कम करने में मदद करता है, वो हर्ब ले सकते हो। बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो जिससे अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट कर सकती हूँ जो है मेंश्योर का प्रोलॉन्ग। इस बारे में मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोज़ में कहा है, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है इसकी। सबसे पहली बात कि ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको इससे नहीं होगा। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं पीछे देख सकते हो, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल वाली चीज़ इसमें नहीं डाली गई। बहुत सी कंपनियाँ बताती है बट उसमें आप पीछे अगर चेक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलेंगे जो हार्मफुल होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% आयुर्वेदिक है, एक क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड है। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं एज लाइक हनीगोट वीट, जिनसंग, कंच बीज, अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली, शिलाजीत, ताल मखाना, जयफल, शतावरी, जावित्री, लौंग, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं जो प्रीमैच्योर डिस्चार्ज में, कि अर्ली डिस्चार्ज में काफ़ी आपको मदद करता है। बट यस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी नेचुरल चीज़ें बॉडी में काम करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। तो आप इसको अगर कुछ महीने तक इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आप Ritu5 कूपन कोड का इस्तेमाल करो तो आपको एडिशनल 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो कूपन कोड है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप मेरी सजेशन से सहमत हो, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पास की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।